रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खुशखबरियां सुनाई हैं उस बाप को जिस घर में बेटी पैदा होती, जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है, जन्नत के आला मकामात की खुशखबरी सुनाई गई है, जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत और रिफाकत की खुशखबरी सुनाई गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की खुशखबरी सुनाई गई है और जहन्नम से आज़ादी की खुशखबरी सुनाई गई है। हमारी यहाँ की मेहनतें, यहाँ की तगोदो, यहाँ की इबादतें और रियाजतें क्यों? सिर्फ इसलिए कि जब आखिरत कायम होगी, हिसाबो किताब का मामला होगा, तो हमारा हिसाबो किताब आसान हो जाए और हमारा दाखिला जन्नत में हो जाए और हम जहन्नम से बच जाएं। हमारी मेहनतें इसीलिए हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में बेटी पैदा होगी उस घर में उसके वालिदैन जन्नत में जाने का जरिया बनेंगी ये बेटी। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बाप को अल्लाह ने तीन बेटियां अता फरमाई, उस बाप ने उस बच्चे की अच्छी तरबियत की, अच्छी परवरिश की, उसके खाने पानी का अच्छा नज्म किया, उसकी रिहाइश का अच्छा इंतजाम किया, उसकी अच्छी परवरिश की, उसकी अच्छी और उसकी अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत लिख दी है। सहाबा बड़े खुश हुए, सहाबा बड़े खुश हुए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई खुश नसीब ऐसा नहीं है जिसके घर में तीन बेटियां नहीं हैं बल्कि दो हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई बात नहीं, दो बेटियां भी अगर किसी को हैं अल्लाह जन्नत देंगे। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी को सिर्फ एक बेटी है? आपने फरमाया, एक भी बेटी अगर किसी को है अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह जन्नत अता फरमाए। ये किस माहौल की खुशखबरी है? ये उस माहौल की खुशखबरी है जहां पर बेटियों को बहुत समझा जाता था। आप अलैहिस्सलाम ने आकर लोगों के जहनों की तामीर की, उनको उनके जहन को तब्दील किया, उनके जहनों की गलाजत को दूर किया और यह फरमाया कि जिस बेटी को तुमने बोझ समझ रखा है यह तो हीरा है, हीरा, यह हमारी आखिरत को संवारने का सबसे बड़ा जरिया है, यह जन्नत को जाने का जरिया है, रब की रजा का जरिया है, अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत के हुसूल की कोशिश का यह जरिया है। इसे खुश रखो, इसकी तरबियत करो, इसकी तालीम का इंतजाम करो, अल्लाह ताला खुश होंगे, जन्नत के आला मकामात मिलेंगे। अहादीस आप जमा करके देखिए, जन्नत की खुशखबरी, जन्नत के आला मकामात की खुशखबरी, जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत की खुशखबरी, जहन्नम से आज़ादी की खुशखबरी, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? अगर किसी के घर में बेटी है तो समझो हमारे लिए जन्नत जाने का रास्ता आसान हो रहा है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत हासिल करने का मौका इनायत फरमाया है और जहन्नम से आज़ादी का अल्लाह ताला ने मौका नसीब फरमाया है। हम उसकी अच्छी तरबियत करके, उसको खुश करके, उसको अच्छा रखकर हम जन्नत हासिल कर सकते हैं और जहन्नम से बच सकते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर किसी को अल्लाह बेटियां अता फरमाए और इस सिलसिले में वो किसी किस्म की तकलीफ में भी मुबतला हो, सब्र करे, सब्र करे, अल्लाह की रजा के लिए सब्र करे। अल्लाह ने फरमाया जहन्नम उसके लिए हराम कर दी जाए। दुनिया में बच्चियों के पालने, उनकी परवरिश करने में अगर किसी किस्म की दिक्कत भी महसूस हो रही हो, सब्र करे और फिर अल्लाह की रजा की कोशिश करे, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आजाद फरमाए और जन्नत में जाने का जरिया यही बच्चा